DSLR वर्सेस मिररलेस कैमरा 2024 साल शुरू हो चुका है और अभी भी ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को रहता है कि एक नया कैमरा लेना है या यूज्ड कैमरा लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, DSLR या मिररलेस। तो इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा इस हिसाब से कि अभी 2024 में करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा सिस्टम कैमरा में लेना चाहिए। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं तीन मेजर सिचुएशंस को एड्रेस करूंगा। सबसे पहली सिचुएशन है अगर आप एक यूज्ड या सेकेंड हैंड कैमरा ले रहे हो तो कौन सा लेना चाहिए, और अगर आप पहला नया कैमरा ले रहे हो तो क्या DSLR लेना चाहिए मिररलेस, और तीसरी सिचुएशन है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक DSLR यूज़ कर रहे हो और अब आपको डाउट है कि अपग्रेड करना है, क्या मिररलेस लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में तो मैं एक एक करके सबको एड्रेस करता हूँ। बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ ये DSLR और मिररलेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखो DSLR जो कैमरा सिस्टम है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अब DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स जो कैमरा सिस्टम है उसमें क्या होता है, जब आप अपने लेंस को अगर आप हटाओगे तो बेसिकली डायरेक्टली आपको जो यहाँ से दिखता है वो सेंसर नहीं दिखता, पहले मिरर होता है फिर सेंसर होता है। तो वो जो मिरर होता है फिजिकल मिरर, वो जब आप फोटो क्लिक करते हो तो वो ऊपर उठता है देन वापस नीचे आ जाता है। अब उस मिरर का फंक्शन क्या होता है, जो आप अपने व्यू फाइंडर से देखते हो वो मिरर से बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके यहाँ ऊपर एक पेंटा प्रिज्म होता है उससे आपको व्यू फाइंडर से इमेज दिखती है। अब मिररलेस में क्या डिफरेंस है, मिररलेस में जैसे नाम है मिररलेस, मिरर नहीं होता। तो ये जो हमारा कैमरा है ये मिररलेस है, अब इसके अंदर मिरर नहीं है, डायरेक्ट ये शटर है, शटर के अंदर सेंसर है। तो अगर मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा ये देखो डायरेक्ट सेंसर यहाँ दिख रहा है, अब इसके आगे कुछ मिरर नहीं है। तो अब मिरर का डिफरेंस क्या होता है, मिरर ना होने की वजह से काफ़ी चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वेट कम हो जाता है, साइज़ कॉम्पैक्ट हो जाता है, और भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है मिररलेस और DSLR की। अब मैं आपको कुछ 10 डिफरेंसेस बताता हूँ मिररलेस और DSLR के जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपना कैमरा प्लान करने में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैं बताना चाहूँगा, जो क्योंकि मैं DSLR यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 7 साल, उसके बाद मिररलेस अगले 5 साल, 4-5 साल मैंने मिररलेस यूज़ करा है, तो मुझे दोनों में इक्वल एक्सपीरियंस है कैमरा सिस्टम में। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है व्यू फाइंडर का। व्यू फाइंडर क्या होता है, ये जो छोटा सा आईपीस होता है जहाँ से आप अपनी फोटो या वीडियो देखते हो, वीडियो तो नहीं फोटो देखोगे। तो DSLR में क्या होता है, DSLR में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, मिररलेस में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप DSLR कैमरा में व्यू फाइंडर से देखोगे तो आप जो अवेलेबल लाइट में आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना वही व्यू फाइंडर से दिखेगा, क्योंकि वो ऑप्टिकल है, ऑप्टिक्स से दिख रहा है। जैसे लेंस के थ्रू लाइट आ रही है, मिरर से लाइट बाउंस होकर पेंटा प्रिज्म से आपको व्यू फाइंडर से दिख रहा है। अब इसमें एक चैलेंज क्या आता है DSLR में, पहले वो बात करते हैं। जब आप अपनी सेटिंग्स डाल लेते हो ना और फोटो लेते हो, आपको व्यू फाइंडर से तो दिखता है कि सही आ रहा है, बट जब आप फोटो क्लिक करते हो कई बार क्या होता है फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। क्यों, बिकॉज ये ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है तो ये अवेलेबल लाइट को दिखा रहा है, आपकी कैमरा सेटिंग से क्या चेंजेस हो रहे हैं वो व्यू फाइंडर नहीं दिखाएगा। यहाँ पे जब मिररलेस की हम बात करते हैं, अब मिररलेस में क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, तो जो आपका LCD है ना LCD का ही इलेक्ट्रिकली जो प्रोजेक्शन है वो आपको व्यू फाइंडर पे दिखता है। तो बेसिकली आप LCD अपने व्यू फाइंडर से देख रहे हो। अब उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जब आप अपने फ्रेम सेट कर रहे हो और आप अपनी सेटिंग्स चेंज करोगे तो आपको व्यू फाइंडर से क्लिक करने से पहले ही लाइव दिखता रहेगा कि अगर आपकी फोटो डार्क हो रही है या ब्राइट हो रही है, वो आपको पहले ही दिख जाएगा क्लिक करने से पहले। इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लेते हैं आप वेडिंग शूट कर रहे हो, इवेंट शूट कर रहे हैं, कुछ भी शूट कर रहे हो, जहां आपको क्लिक करने से पहले आपके पास दूसरा चांस नहीं है, आपको बस जब आप शूट ले रहे हो, आप फोटो लेने वाले हो, आपको एक्सपोजर एकदम सही चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है मिररलेस में वो आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देगा। DSLR में आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, आपको इतना एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि जब आप फोटो ले रहे हो तो आपको आइडिया हो कि इतनी सेटिंग में मेरे को ऐसा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये पहला डिफरेंस आ जाता है। अब DSLR में भी आप LCD ऑन करके फोटो ले सकते हो, बट उसमें क्या होता है जब आप DSLR में LCD प्रीव्यू में जाते हो तो आपका फोकसिंग सिस्टम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस। मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली जब आप DSLR में LCD से फोटो लेते हो ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब आप LCD ऑफ करके व्यू फाइंडर से फोटो लोगे, अगर फोकस आधे सेकंड में हो रहा है ना तो LCD से वो 1 या 1.5 सेकंड में होगा, क्योंकि वो फोकसिंग सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए मिररलेस में जो आपका व्यू फाइंडर है वो आपको इलेक्ट्रिकली दिखाता है, करंट जो भी आपका सेटिंग है उस हिसाब से आपको आउटपुट दिख जाता है। दूसरा डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, इंटरनेट पे भी इतना ज़्यादा इस बारे में बात नहीं होती, वो है फ्लैंज डिस्टेंस। अब फ्लैंज डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली जो आपका लेंस माउंट है ना कैमरा में,
इधर से आपके सेंसर का डिस्टेंस, यहाँ पे एक मार्क होता है सर्कल और लाइन, यहाँ पे बेसिकली आपका सेंसर होता है, तो इस सेंसर से आपके जो माउंट लेंस माउंट का डिस्टेंस है उसको हम फ्लैंज डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये DSLR में ज़्यादा होता है, मिररलेस में कम होता है। DSLR में ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज मैंने आपको बताया DSLR में एक फिजिकल मिरर होता है जिस वजह से वो सेंसर के आगे प्लेस्ड होता है, तो वो जगह ज़्यादा लेता है, जिस वजह से सेंसर और लेंस माउंट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। मिररलेस में क्योंकि वो मिरर नहीं है तो सेंसर और लेंस माउंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है। अब इससे फ़र्क क्या होता है? दो मेजर फ़र्क होते हैं। पहला, सबको पता होगा ऑब्वियसली, कैमरा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। आप देखोगे मिररलेस बहुत कॉम्पैक्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें मिरर नहीं है तो इस वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। बट फ्लैंज डिस्टेंस का जो मेन बेनिफिट आपको मिररलेस कैमरा में मिलता है वो ये है कि अब जो लेंसेज डिज़ाइन होते हैं वो इस हिसाब से हो सकते हैं कि ये सेंसर के ज़्यादा पास रहते हैं लेंस के एलिमेंट्स, जिस वजह से सेंटर टू एज जो आपकी शार्पनेस है, स्पेशली जो एजेस में शार्पनेस है, वो मिररलेस में ज़्यादा बेटर आती है एज़ कम्पेयर टू DSLR। इसका एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इसलिए आप कभी देखना, जो DSLR कैमरा है उसमें आप मिररलेस के लेंस नहीं लगा सकते इजीली। कुछ अडैप्टर्स आते हैं बट वो वैसा आउटपुट नहीं देंगे, बट आप DSLR के लेंस मिररलेस में लगा सकते हो। क्यों? बिकॉज अगर आपका फ्लैंज डिस्टेंस कम है, आप देखना एक अडैप्टर आता है, जैसे कैनन, सोनी, नाइकन, सबका अडैप्टर आता है, तो अगर आप DSLR का लेंस मिररलेस में लगाओगे तो वो अडैप्टर का एक डिस्टेंस होता है। क्यों? बिकॉज वो मेंटेन करता है उतना डिस्टेंस जो DSLR में वो फ्लैंज डिस्टेंस को कवर करता था। इस वजह से फ्लैंज डिस्टेंस मिररलेस में कम होने की वजह से आपको मिररलेस में बेसिकली सेंटर टू एज जो शार्पनेस है वो बेटर मिलती है। अगला डिफरेंस है बैटरी लाइफ का। अब यहाँ पे ये दो या तीन बेनिफिट में से एक बेनिफिट है DSLR, क्योंकि DSLR में आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा मिलती है। अब मिररलेस में क्या है, आप ये समझ लो, अगर आप DSLR में 500 फोटो ले रहे हो तो मिररलेस में आप 200-250 फोटोज ले सकते हो। वीडियो से तो और कम बैटरी हो जाती है मिररलेस की, बट मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि मिररलेस के बैटरी के अलावा बेनिफिट्स इतने हैं कि कहीं ना कहीं मिररलेस उस बैटरी वाले फैक्टर को ओवरपावर कर देता है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप मिररलेस लेते हो तो आप एक दो एक्स्ट्रा बैटरीज अपने साथ ज़रूर रखना, बिकॉज अगर आप शूट पे जा रहे हो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैटरी लेके चलनी पड़ेगी। बट DSLR में फ़ायदा है, अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनली शूट नहीं करते, आपको जस्ट फैमिली फ़ोटोज़ लेनी है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं डालना, तो DSLR से ये है कि आप सिर्फ एक कैमरा लेके चल सकते हो, आपको एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी नहीं करनी पड़ेंगी। अगला डिफरेंस आ जाता है लेंस कंपेटेबिलिटी का। अब आज से 2 साल पहले मेरा ये मानना था कि DSLR में बहुत वैरायटी थी, 100 से ज़्यादा लेंसेज हर ब्रांड में, ऑलमोस्ट कैनन में तो थे, बट अभी मैंने कैलकुलेट किया मिररलेस में RF माउंट में कैनन में 40 के आसपास लेंसेज आ चुके हैं। सेम सोनी में भी काफ़ी लेंसेज हैं, नाइकॉन में काफ़ी हैं, थर्ड पार्टी लेंसेज टैमरॉन, सिग्मा, इन सब जो ब्रांड्स जो भी अभी बिल्ट रॉक्स ये भी ब्रांड्स आ रहे हैं, इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो 2024 में ये फैक्टर तो नहीं है कि लेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, कम चॉइस हैं, बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं और काफ़ी डिफरेंट रेंज में हैं। आप ऐसा नहीं है कि 50-60 हज़ार से लेंस शुरू होते हैं, 20-20 हज़ार के लेंस भी आते हैं, तो वो वाला फैक्टर तो चला गया है कि लेंस की अवेलेबिलिटी कम है। एक और चीज़, आप कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि DSLR का लेंस हम मिररलेस में नहीं लगा सकते, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप DSLR का लेंस मिररलेस में लगा सकते हो, उसके लिए एक अडैप्टर आता है हर ब्रांड का, वो आप खरीद के कैमरा के आगे वो आपका अडैप्टर लगेगा, उसके आगे लेंस लगा के आप अपनी DSLR वाली किट के जो लेंसेज हैं वो मिररलेस में यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने अपना डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स लॉन्च किया है, जो 8 हफ्ते का स्ट्रक्चर है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है हिंदी में, 11 घंटे से ज़्यादा के, उसमें 110 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो कि कैमरा सेटिंग्स क्या होती हैं, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, एडिटिंग, ये सब कुछ उसमें है। डिटेल्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। एंड अभी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 15% ऑफ है फॉर दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ आई एम नॉट श्योर कि क्या रहेगा। अगला फैक्टर जो बहुत कॉमन सेंस वाला है वो है कॉम्पैक्ट साइज एंड वेट। तो देखो, जब फिजिकली मिरर हट जाता है तो ऑब्वियसली कैमरा कॉम्पैक्ट हो जाता है, कैमरा कॉम्पैक्ट होगा, छोटा होगा तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो अगर आप एक ऐसा कैमरा देख रहे हो जो इजी टू हैंडल हो, इजी टू कैरी हो, ज़्यादा बल्की ना हो, तो मिररलेस कैमरा है। बट DSLR का मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जो बिल्ड क्वालिटी है, अगर आप थोड़े एंट्री लेवल कैमराज भी देखोगे, वो थोड़ा मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा। तो अगर आपको एक ऐसा स्टर्डी कैमरा चाहिए और ज़्यादा फीचर्स में नहीं जाना तो DSLR जा सकते हो, बट फीचर्स ज़्यादा चाहिए और एवरेज, लाइक ऐसा नहीं है कि बेकार क्वालिटी मिररलेस में, डिपेंड करता है आप हर कैमरा टू कैमरा, बट अगर आपको ऐसा है कि फीचर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है तो आप मिररलेस के लिए जा सकते हो। अगले डिफरेंस पे हम आते हैं, जो है ऑटो फोकस। अब
ऑटो फोकस मिररलेस जब पहले 2-3 साल आए थे तो उतना कैचअप नहीं कर पाए थे, DSLR फिर भी अहेड ऑफ द गेम था, बट 2024 में आई वुड से मिररलेस का जो फोकसिंग सिस्टम है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है DSLR से। उसके काफ़ी रीज़न है कि पिछले 3-4 साल में आप कोई भी ब्रांड देख लो, चाहे वो कैनन, नाइकन, सोनी, फूजी, जो भी है, सब मिररलेस में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनुफैक्चरिंग, सब कुछ, सारी टीम उधर फोकस्ड है मिररलेस में। DSLR में एज सच कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नया सब काम हो रहा है, वो सब मिररलेस में हो रहा है, जिस वजह से जो फोकसिंग मैकेनिज्म है, आपको मिररलेस में ऑलमोस्ट 100% एरिया का फोकस मिलता है, आप कहीं भी टच करके फोकस ले सकते हो, DSLR में नहीं होता। DSLR में फोकस पॉइंट सेंटर की तरफ होते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक डिफरेंस बनाते हैं फोकसिंग में। और मिररलेस कैमरा जो है आपको ज़्यादा एरिया भी देता है फोकस करने के लिए, और इस बारे में मैंने जो मेरा कोर्स है उसमें और डिटेल में भी डिस्कस करा है, तो आप कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम कुछ फीचर्स पे आते हैं, सबसे पहले इमेज स्टेबलाइजेशन, तो इमेज स्टेबलाइजेशन देखो लेंसेज में तो काफ़ी टाइम से आ ही रहा था, DSLR के लेंसेज में भी था, मिररलेस में थोड़ा कॉमन हो गया है, बट एक चीज़ जो बढ़िया हुई है कैमराज में, मिररलेस कैमरा में, कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन अब थोड़े कम प्राइस के कैमराज में भी आने लग गया है, और DSLR में तो था ही नहीं। मिररलेस में बेनिफिट हो गया कि इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, तो वो सेंसर ही स्टेबलाइज करता है, जिस वजह से आपको फोटोज़ में और इवन वीडियोज़ में स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेटर मिलती है। तो अगर आप प्रेफरेंस ये है कि आप रन एंड गन शूट कर रहे हो, आप हैंडल ज़्यादा शूट करते हो, वॉक करते हुए शूट करना है, तो वो IBIS आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, इवन लो लाइट सिचुएशन में जब आप लॉन्ग एक्सपोजर वाली फोटोज लेते हो। फिर उसके बाद अगर मैं वीडियो फीचर्स की बात करूं, तो वीडियो में जितने भी नए फीचर्स आ रहे हैं आप देखना मिररलेस कैमराज में आएंगे। DSLR में जितना मुझे याद है 200D Mark II में आई ऑटो फोकस लास्ट आया था 90D में, उसके बाद DSLR एक तो लॉन्च ही बहुत कम हुए हैं, ऊपर से मिररलेस कैमरा में कम प्राइस लाइक 50-60 हज़ार के कैमराज में आपको आई डिटेक्ट ऑटो फोकस मिल जाता है, सारे नए फीचर्स वीडियो से रिलेटेड, 4K वीडियो बहुत कॉमन हो चुका है, वर्टिकल वीडियो, आप कैमरा को ऐसे पकड़ के वीडियो शूट करो वर्टिकल वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो से रिलेटेड अगर आप वीडियो कंटेंट भी शूट करते हो तो मिररलेस में आपको लाइक बहुत ज़्यादा एज मिलता है एज कम्पेयर टू DSLR कैमरा। देन जो सेकेंड लास्ट डिफरेंस है वो है एडवांस्ड फीचर्स का। तो ऑब्वियसली DSLR में एक टाइम तक बहुत अच्छे फीचर्स आए थे, बट उसके बाद जैसे मैंने बताया सब ब्रांड्स मिररलेस में लग गए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स जैसे कि आई डिटेक्ट, फेस ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग, आप कैमरा एक जगह रख दो, अभी भी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें लाइक आई ट्रैकिंग है, तो मैं जहाँ भी फ्रेम में मूव करूँगा आगे पीछे वो मेरी आई को ट्रैक करता रहेगा। तो मिररलेस में जो फीचर्स आए हैं ना कहीं एक यूज़र के एक्सपीरियंस को बहुत बेटर बना देते हैं। और भी कई फीचर्स हैं वीडियो में, जैसे ज़ीब्रा का फीचर है, हिस्टोग्राम है, फोकस पीकिंग, आप फोकस पीकिंग एनेबल कर सकते हो अगर आप मैनुअल लेंस यूज़ करते हो, मैनुअल मोड में शूट कर रहे हो, तो अगर आप फोकस पीकिंग एनेबल करोगे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि फोकस कहाँ पे हो रहा है, वो आपको रेड या जो भी कलर आप सेलेक्ट करते हो उसमें दिखाएगा कि फोकस कहाँ हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, इवन हिस्टोग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो शूट करते हुए आपको पता लग जाएगा आउटडोर अगर आप शूट कर रहे हो कि आपका फोटो कहीं ओवर या अंडर एक्सपोज तो नहीं हो रहा। और लास्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँगा वो है नई टेक्नोलॉजी, नए फीचर्स को अडाप्ट करना। DSLR में आप देखना, कभी आपने फर्मवेयर अपडेट नहीं सुना होगा, मिररलेस कैमरा में होता है, बहुत से ब्रांड्स हर 6 महीने में या कुछ रेगुलरली फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं, अगर कुछ बग आ जाता है या कैमरा में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ नया फीचर देना है, तो इवन वो भी फर्मवेयर अपग्रेड से आ जाता है, जो मिररलेस में हो रहा है। DSLR में वो चीज़ नहीं है, अगर DSLR में कुछ नया फीचर आएगा तो उसके लिए आपको नया कैमरा लेना पड़ेगा। मिररलेस में भी वो है, बट कई बार कुछ ब्रांड्स कुछ नया फीचर आपको दे देते हैं फर्मवेयर अपग्रेड से, और इवन लेंसेज भी मिररलेस वाले जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं, फर्मवेयर आता रहता है। तो आई थिंक देखो जो मैंने तीन आपको स्टार्टिंग में तीन सिचुएशन बताई थी, कि पहले सिचुएशन है कि आप एक सेकेंड हैंड यूज्ड कैमरा ले रहे हो, सेकेंड है कि आप एक नया पहला कैमरा ले रहे हो, और तीसरी सिचुएशन है जब आप DSLR से अपग्रेड करने का सोच रहे हो। तो अगर आप पहली सिचुएशन में हो जहां आपको एक यूज्ड सेकेंड हैंड कैमरा लेना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना यूज केस देखो। अगर आप बहुत कम शूट करते हो, महीने में 1-2 बार फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने गए तो कैमरा निकाला, शूट करा, और फोटोज़ आप मेजरली ले रहे हो, तो DSLR भी अभी के लिए बहुत सही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा फ्रीक्वेंटली शूट करते हो, आप सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हो, आपको चाहिए कि आप फोटोज़ भी करो वीडियोज़ भी करो, आप हाइब्रिड शूटिंग करते हो, वीडियोज़ भी कर रहे हो फोटोज़ भी, तो उस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप यूज्ड भी ले रहे हो तो मिररलेस कैमरा देखो। सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं जहाँ आपको पहला नया कैमरा लेना है, तो अगर आप नया कैमरा ले रहे हो, मैं
आई वुड से कि 99% केसेस में आपको मिररलेस कैमरा लेना चाहिए, बिकॉज DSLR का एज सच मुझे अभी करंटली कुछ बेनिफिट नहीं लगता और प्राइस डिफरेंस भी अब इतना ज़्यादा नहीं है, 10-15-20 हज़ार मैक्सिमम डिफरेंस पड़ेगा डिपेंडिंग आप किस रेंज में जाते हो। तो अगर आप बेसिकली नए फीचर्स यूज़ करना चाहते हो, ज़्यादा फोकसिंग आपकी बेटर हो, एरिया ज़्यादा हो, इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन, बहुत चीज़ें मिररलेस में एडवांस्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो आई थिंक आज के टाइम में 2024 में DSLR नया लेने का एज सच कुछ सेंस नहीं है। बस एक बेनिफिट है DSLR का कि लेंसेज थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो इसीलिए अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो तो आप DSLR ले लो, बट अगर आपको चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके, क्योंकि लेंसेज भी अभी नई टेक्नोलॉजी आई है तो थोड़े से महंगे हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स नए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है इस वजह से। तो लास्ट सिचुएशन ये थी कि अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हो और आपको मिररलेस में अपग्रेड करना है, तो DSLR और मिररलेस में अगर आप ऑप्शन रखते हो तो ऑब्वियसली मिररलेस ही जाना। अब DSLR में अपग्रेड करने का मुझे एज सच कुछ बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि अगर आप DSLR के लेंसेज भी यूज़ कर रहे हो ना, वो भी आप मिररलेस में लगा सकते हो अडाप्टर खरीद के। तो ये था वीडियो, आई होप आपको हेल्प करेगा, और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, तो जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।